टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर मैं आपका क्षेत्र आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे खबरों की शुरुआत खास खबर। पद सृजन अंतर्नीकरण एवं सेवा संपुष्टि समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में लिए गए कई निर्णय। जल जिला जल स्वच्छता समिति के कंट्रोल रूम का फीता काट कर डीएम किए उद्घाटन। और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था पर असर, पीएचसी को हड़तालियों ने किया बंद। खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर में। विभिन्न कॉलेजों में पद सृजन अंतर्नीकरण एवं सेवा संपुष्टि समिति की बैठक मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में हुई। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कई निर्देश दिए। विभिन्न कॉलेजों में पद सृजन अंतर्नीकरण एवं सेवा संपुष्टि समिति की बैठक हुई कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में। लोहिया चरण सिंह कॉलेज से संबंधित अतिरिक्त पद सृजन के प्रस्ताव में पद सृजन समिति की अनुशंसा के संबंध में विचार हुई। संत कबीर महाविद्यालय समस्तीपुर से संबंधित अतिरिक्त पद सृजन के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। पीडीकेजी महाविद्यालय अंधराठारी मधुबनी से संबंधित अतिरिक्त पद सृजन के प्रस्ताव में पद सृजन समिति की अनुशंसा पर भी विचार हुआ। RNJ कॉलेज मधुवापुर मधुबनी से संबंधित पद सृजन के प्रस्ताव पर पद सृजन समिति की अनुशंसा पर भी विचार किया गया। विधि महाविद्यालय समस्तीपुर से संबंधित पद सृजन के अनुशंसा पर विचार हुआ। इस बैठक में प्रतिकुलपति बिहार सरकार उच्च शिक्षा बिहार सरकार पटना के निदेशक MK कॉलेज लहरियासराय के डॉक्टर रमेश यादव, विभागाध्यक्ष वाणिज्य के प्रोफेसर BBL दास, अभिषद सदस्य लक्ष्मेश्वर राय, GD कॉलेज बेगूसराय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह मौजूद थे। सरफराज आलम, BTN न्यूज। जिला जल स्वच्छता समिति के कंट्रोल रूम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने फीता काटकर किया DRDA। DRDA कार्यालय परिसर में जिला जल स्वच्छता समिति के कंट्रोल रूम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने फीता काटकर किया। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ रहा खासा मानदेय एवं अस्थायी बहाली की मांग को लेकर संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंगलवार को उन्होंने भिन्न PHC को बंद करवाया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है खासा असर। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। अरे मांग हमारा भीख नहीं है, छीन लिया है छीने के। अरे वाजिब मांगे देनी होगी। अरे वाजिब मांगे देनी होगी। देनी होगी। मांगे देनी होगी।
देनी होगी, देनी होगी। नहीं तो हम जोर जुलूम के चक्कर में सरकार समाना नारा है। अरे यही हमारा शंखनाद है, यही हमारा नारा है। हर बार लड़ाई जीते हैं, इस बार लड़ाई जीतेंगे। हर बार लड़ाई जीते हैं, इस बार लड़ाई जीतेंगे। अरे समझा कर्मी को नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। समझा कर्मी को नियमित करना होगा। दलित स्वराज पार्टी महिला प्रकोष्ठ की ओर से मिथिला गौरव विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया MRM कॉलेज में। दलित स्वराज पार्टी महिला प्रकोष्ठ की ओर से मिथिला गौरव विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया MRM कॉलेज में। सरफराज आलम, BTN न्यूज। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा निशुल्क दो स्थानों पर मिथिला पेंटिंग एवं सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दो स्थानों पर निःशुल्क मिथिला पेंटिंग एवं सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। वार्ड नंबर 10 स्थित लक्ष्मी सागर में निःशुल्क पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर का फीता काट का उद्घाटन समाज सेवी सुनील कुमार दास ने किया। और वहीं दूसरी ओर कामेश्वरी प्रिया प्रोहरम में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के सहयोग से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण का दूसरा बैच आरंभ किया गया। प्रशिक्षिका राधा देवी ने बताया कि इस सिलाई केंद्र में 55 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मौके पर कामेश्वरी प्रिया प्रोहरम के महासचिव डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, प्रभात दास फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा, अनिल कुमार सिंह, मनीष आनंद उपस्थित थे। संतोष झा, BTN न्यूज। दिवंगत स्वर्गीय नरेंद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने श्रद्धांजलि सभा कर 2 मिनट का मौन रखा। दिवंगत स्वर्गीय नरेंद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने श्रद्धांजलि सभा कर 2 मिनट का मौन रखा। दिवंगत क्लब सचिव नरेंद्र नारायण सिंह नरेंद्र कुमार सिंह का निधन हो गया, इसलिए शोक संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं। और दरभंगा जिला का क्षत्रिय के रूप में बहुत बड़ा क्षति पहुंचा है और उनके द्वारा किए गए कार्य जो अधूरा है उनको हम लोगों के द्वारा कार्य पूरा करेंगे और उनके द्वारा जो क्षत्रिय समाज या जिलावासी की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, कोशिश करेंगे जो भरपाई करने का कोशिश करेंगे। सिंह हमारे साथी थे और 1980-82 के बैच में वह ग्रेजुएशन किए थे। कुमार सिंह महाविद्यालय से के वह छात्र संघ के सचिव भी रह चुके थे, लेकिन डॉक्टर ठाकुर के सिंह प्रिंसिपल के ऊपर कुछ बदमस्ती करने के कारण उनका जीवन में सुधार हुआ। सुधार होने के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए भी बहुत सारा काम किया, जो लग करके क्षत्रिय समाज के लिए वह जहां भी कुछ सुनता था वहां पहुंच जाता था और क्षत्रिय समाज के लिए करने का इच्छा भी रखता था। यही उनका जीवनी है कि अमली जमा पहनाने का कोशिश करेंगे। क्षत्रिय महासभा के अधीन बैठक किए हैं हमारे स्वर्गीय श्री नरेंद्र बाबू, हमारे पारिवारिक सदस्य थे और उनसे हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध था। उनके स्वर्गवास होने से हम लोगों को बहुत ही काफ़ी कष्ट है और उनकी क्षति को इस समाज में अपूर्णीय क्षति है, उनकी कमी को पूरा करना। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार, विदा में आपसे इससे पूर्व सुर्खियों पर एक नजर। पद सृजन अंतर्निरीकरण एवं सेवा संपुष्टि समिति की बैठक, कुलपति की अध्यक्षता में लिए गए कई निर्णय। जल जिला जल स्वच्छता समिति के कंट्रोल रूम का फीता काट कर DM किए उद्घाटन। और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था पर असर, PHC को हड़तालियों ने किया बंद। ये थी अब तक के समाचार, विदा में आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय।